नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो क्या आप तैयार हैं एक प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रह निर्माण, भूमि पूजन, नींव पूजन के लिए कौन से दिन, नक्षत्र, तिथि, महीना शुभ माना जाता है इसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आपको कृपया लास्ट तक जरूर देखें एवं कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, ग्रह निर्माण, नींव पूजन, भूमि पूजन यदि आप कराने जा रहे हैं या आगामी दिनों में कराने वाले हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कि ग्रह निर्माण की तिथि हमेशा शुभ होनी चाहिए और मुहूर्त के अनुसार होना चाहिए। कभी भी शीघ्र करने की कोशिश ना करें। जब भी भूमि पूजन करना हो, आप सही तिथि और मुहूर्त पर ही करें। उसके बाद मुहूर्त हमेशा ग्रह स्वामी के नाम व जन्म तिथि के अनुसार ही होना चाहिए। सभी मुहूर्त सबके लिए शुभ हो ये जरूरी नहीं, अपनी राशि के अनुसार ही मुहूर्त करना चाहिए। इन सभी में से सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जिस स्थान पर आप ग्रह निर्माण करने जा रहे हैं वह उचित मुहूर्त में ही शुरू हो, ताकि ग्रह निर्माण बिना किसी रुकावट के हो सके। जब आप उस मकान में रहने जाएं तो परिवार के किसी भी सदस्य को हानि ना पहुंचे और मकान में रहने वाले लोगों को हमेशा खुशियां, सफलता और मान सम्मान बना रहे और नए नए मांगलिक कार्य संपन्न हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो और कार्य सब कुछ संपन्न हो। करेंगे कि ग्रह निर्माण करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। ग्रह निर्माण, नींव पूजन या भूमि पूजन करते समय कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा ही होगा कि एक ही शुभ कार्य के लिए लोग अलग अलग मुहूर्त निकाल कर देते हैं और आप वहां पर एक उलझन में फंस जाते हैं कि कौन सा मुहूर्त सही है, कौन सा नहीं। आपको एक बात जानना जरूरी है कि हर एक ग्रह स्वामी का मुहूर्त अलग अलग हो सकता है। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि आपके लग्न आपकी राशि के अनुसार ही मुहूर्त होना चाहिए, तभी आपको शुभ फल देगा। कई लोग आपको जो मुहूर्त देते हैं वो मुहूर्त चक्र के अनुसार नहीं होता। कई लोग तिथि के अनुसार देते हैं तो कई लोग योग के अनुसार, पर यह सही नहीं होता है। अब हम बात करेंगे ग्रह निर्माण करना कब शुभ माना जाता है। ग्रह निर्माण के लिए सही तिथि का होना जरूरी है, नक्षत्र का होना और वार का होना भी जरूरी है। इसके बाद आपकी राशि और लग्न क्या है। लग्न और राशि के अनुसार ही नक्षत्र और तिथि का चयन किया जाता है। फिर भी मुहूर्त चक्र के अनुसार निम्नलिखित नक्षत्र, तिथि, माह और शुभ लग्न में करने चाहिए। ग्रह निर्माण, भूमि पूजन, नींव पूजन के लिए कौन से दिन, नक्षत्र, तिथि, महीना, लग्न शुभ होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। शुभ दिन सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार होता है। नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भादपत्र, उत्तराषाढ़, घनिष्ठा, शतविशा, चित्रा, हस्त, रोहिणी, रेवती। तिथि है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा। माह है बैशाख, श्रावण, माघ, पौष, फागुन। शुभ लग्न है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी। नींव रखने के लिए सभी स्थिर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद्र एवं रोहिणी सब श्रेष्ठ होते हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमोदित अन्य नक्षत्र जैसे तिथि, अनुराधा, शतविशा, चित्रा, घनिष्ठा, हस्त और पुष्य नक्षत्र भी अच्छे होते हैं। तिथि, योग और स्थिर लग्न का चयन करना चाहिए। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।